टाटा टेक्नोलॉजी का बम्पर लिस्टिंग की तैयारी चल रही है। आपको मालूम है ग्रे मार्केट प्राइस 350 से 360 चल रहा है, लेकिन आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन है कि हम कौन से कैटेगरी में लगाएं, कितना पैसा लगाएं कि हमें अलॉटमेंट जरूर आ जाए। यह एक ऐसा सवाल है जो शायद बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइमिंग की पॉसिबिलिटीज क्या है, और सिर्फ आप जानेंगे कि टाइमिंग की पॉसिबिलिटीज क्या है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। इस तरह की कैलकुलेशन आज से पहले कभी कभी आपको किसी ने बताई है ना, कभी बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये चैनल चूंकि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके लिए बनता है ये एक्स्ट्रा क्लास, और ध्यान से सुनिएगा किस तरह से कोई भी इश्यू कितने टाइम हो सकता है, इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मार्केट प्राइस। आपको मालूम है कि ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 350 से 360 रुपए, यानी कि यदि आप ग्रे मार्केट में 10 शेयर बेचने जाएंगे तो आपको 350 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 3500 का फायदा होने वाला है। लेकिन यदि आप ग्रे मार्केट प्राइस में 30 शेयर बेचने जाएंगे तो यदि इसका एवरेज 350-60 का है तो 10.5 से 11000 रुपए, या हम प्रीसियसली ले लें 357 मल्टीप्लाइड बाई 30 10,700 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, हमें कुछ टर्मोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो ग्रे मार्केट प्राइस डायरेक्टली का मतलब तो हो गया कि आप कंफर्म इतने शेयर बेच दीजिए और बेचने के बाद में आपको उतना पैसा मिल जाएगा जब आप उनको डिलीवरी देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉस्टक प्राइस। कॉस्टक प्राइस का मतलब ये हो गया कि यदि आप सेलर हैं और आपने एप्लीकेशन लगाकर उस रेट पर शेयर बेच दिए या एप्लीकेशन बेच दी तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी के केस में इस समय कॉस्टक प्राइस चल रही है 1900 रुपये, आपने दो एप्लीकेशन लगाई तो आपको 1900 प्लस 1900 रुपीज आपको आराम से मिल जाएंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी के केस में बात कर रहे हैं कि रिटेल की एक एप्लीकेशन जो आपने लगाई है, 30 शेयर की लगाई है, 15,000 रुपए की लगाई है, यदि अलॉटमेंट आ जाता है तो गारंटेड 8,500 रुपए ले लो। ये हो गया सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ कॉस्टक प्राइस में क्या होता है, चाहे आपको अलॉटमेंट आए या नहीं आए, आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो कॉस्टक प्राइस क्या चल रहा है इसका, 1900 रुपए। जबकि दूसरी तरफ सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट, यदि अलॉटमेंट आता है तो आपको 8,500 रुपए मिलेंगे। तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट में आपको 8,500 मिल रहे हैं, वो तभी मिलेंगे जब आपको कंफर्म अलॉटमेंट आ जाएगा, और यदि अलॉटमेंट नहीं आया तो सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट में आपको एक पैसा भी नहीं मिलना। जबकि कॉस्टक में आप 1900 रुपए में जब बेचते हैं, अलॉटमेंट आए या नहीं आए, आपको 1900 रुपए मिलने ही हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये इशू कितने टाइम होने वाला है। अब हम बात करते हैं रिटेल कोटा की। इस समय मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ। इस समय ग्रे मार्केट चल रहा है 350-60 रुपए, सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट चल रहा है 8,500 रुपए, और कॉस्टक प्राइस चल रहा है 1900 रुपए। इस कैटेगरी में जब यदि आपको अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि ये और सब्सक्रिप्शन तो होना ही है, इसलिए अलॉटमेंट आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 30 शेयर का। ऐसे में आपको एप्लीकेशन लगानी है सिर्फ 15,000 रुपए की। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्यादा एप्लीकेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं गेन कितना होगा। यदि आपको अलॉटमेंट आया तो 30 शेयर अलॉटमेंट आएंगे, ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 350 से 360 रुपए, तो इसका मतलब 10.5 से 11,000 रुपए के आसपास एक अलॉटमेंट यदि आपके आया तो गेन होने वाला है। आपने देखा होगा सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट प्राइस चल रहा है 8,500 रुपए, और एक्चुअल में ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा है 10,500 रुपए। इसका मतलब जो सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ले रहा है उसको 2,000 रुपए का फायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये 2,000 का फायदा तो होगा, लेकिन ये टाइमिंग कितना हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी कॉस्टक प्राइस के बेस पर। कॉस्टक प्राइस क्या है इसमें, 1900 रुपए, फायदा होगा 10,500 रुपए। 10,500 डिवाइडेड बाई 1900, इसका मतलब ये आईपीओ एक्सपेक्टेड है ग्रे मार्केट में 5.52 टाइम जाने का। ये इशू 4.5 से 5.5 टाइम होने वाला है, क्योंकि जब यदि 5.5 टाइम होता है ये इशू तो बायर को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इशू का प्राइस 350 चल रहा है और वो
5.5 लोगों से यदि एप्लीकेशन बाई करता है, हम कन्वीनियंस के लिए समझते हैं कि वो 5 लोगों से 1900 रुपए की एप्लीकेशन बाई करता है, तो 1900 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 9500 रुपए उसके लागत आएगी और उसको बेचने का प्रॉफिट होगा 10500 रुपए। तो इसका मतलब ये आईपीओ रिटेल में होने वाला है लगभग 5 टाइम। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि रिटेल लगभग 5 टाइम जाने वाला है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्मॉल HNI का केस। इसमें अगेन ग्रे मार्केट तो 350-60 के आसपास चल ही रहा है, कॉस्टक प्राइस चल रहा है 5000 रुपये और इसके कैटेगरी में अलॉटमेंट जो आएगा वो 420 यानी मिनिमम लोड जो है वो आएगी। इस केस में हम पहले भी बात कर रहे हैं, हमें 14 लोड की 2,10,000 रुपए की एप्लीकेशन लगानी है, इससे ज्यादा लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यदि आप इससे ज्यादा 9,95,000 की भी यदि लगाएंगे तो वो 2,05,000 की ही कंसिडर की जाएगी जब आपकी लॉटरी निकलेगी। ये तो हम श्योर है कि ये मल्टीपल टाइम होने वाला है। तो आइए हम इसके कॉस्टक प्राइस एनालाइज करते हैं कि इसकी टाइमिंग कितनी एक्सपेक्टेड है। यहां पर 420 शेयर का अलॉटमेंट होगा, इस कैटेगरी में मिनिमम लोड साइज 420 की है तो 420 अलॉटमेंट होगा और हम ग्रे मार्केट प्राइस 350-60 के बीच में मानते हैं तो 1,50,000 रुपए का गेन होने वाला है। 1,50,000 को डिवाइड करें किससे, 5,000 रुपए से जो कॉस्टक प्राइस है, तो इसका मतलब जो बायर है उसको 30 एप्लीकेशन यदि वो बाई करेगा 5,000 रुपए में तो उसकी कॉस्ट आएगी 1,50,000 रुपए। अब आप सोचिए कि यदि आप सेलर हैं तो आपने एक एप्लीकेशन बेची 5,000 रुपए में, ऐसे 30 लोग जब 5,000 रुपए में एप्लीकेशन बेचेंगे तो ग्रे मार्केट में ऑपरेटर या पंटर को उसकी पूरी कॉस्ट देने लगने वाली है 1,50,000 रुपए 30 एप्लीकेशन की और तब जाके वो 8 पार में निकलेगा। इसका मतलब कि ये प्राइस या ये टाइमिंग 30 टाइम से कम होने वाली है तो वो फायदे में निकलेगा, यदि 30 टाइम हुई तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट में है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी में आपको कम से कम एक अलॉटमेंट आए तो आपको 2,10,000 रुपए की 30 एप्लीकेशन लगानी होगी, तब जाके ये गारंटी होगी कि आपको एक अलॉटमेंट आएगा और वो भी 420 शेयर का। मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। जी हाँ, ये वो कैलकुलेशन है जो आज तक न कभी किसी ने बताई है न कोई बता पाएगा। लेकिन हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि बिग HNI कितने टाइम हो सकता है। ग्रे मार्केट प्राइस 350 से 360 रुपए, कॉस्टक प्राइस है 20,000 रुपए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 67 लोट मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि एक लोट साइज यानी कि 2,010 शेयर की एप्लीकेशन लगाएंगे जिसकी वैल्यू होती है 10,05,000 रुपए, तो आपको ग्रे मार्केट में 20,000 रुपए गारंटेड मिल रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इससे हमें टाइमिंग का कैसे पता लगता है? इसके लिए हमें देखना होगा कि इसमें अलॉटमेंट कितना आता है। इसमें भी अलॉटमेंट मिनिमम लोड HNI कैटेगरी का यानी कि 420 शेयर का आने वाला है। 350 से 360 का प्राइस हम मानते हैं कि गेन होने वाला है लगभग 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 20,000 जो कॉस्टक प्राइस है, तो 7.5 टाइम यदि एप्लीकेशन बायर खरीद लेगा तो वो 8 पार में निकलेगा। समझ गए आप? मुझे लगता है कि 7.5 टाइम ये हो सकता है मैक्सिमम, वैसे होना इससे थोड़ा कम चाहिए तभी ग्रे मार्केट में जो पंटर या ऑपरेटर है वो कमाएगा। तो अब चौथी देखते हैं हम, शेयर होल्डर कोटा। यहाँ पे अगेन ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 350 से 60 रुपए, शेयर मार्केट में अलॉटमेंट आएंगे 30 शेयर का। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर में सिर्फ रिटेल एप्लीकेशन लग रही है जो मिनिमम 15,000 रुपए और मैक्सिमम 13 लोट यानी कि 1,95,000 की आप लगा सकते हैं। इस केस में हमने आपको क्लियर कहा है कि आपको मैक्सिमम लगानी है यानी कि 1,95,000 ये लगानी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ने वाला है। अब हम ये मान के चलते हैं कि आप 1,95,000 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, अलॉटमेंट आएगा सिर्फ 30 शेयर। यस, 30 शेयर ही आएंगे। आप लगाएंगे एप्लीकेशन 13 टाइम, 13 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि 390 शेयर की एप्लीकेशन लगाएंगे तो भी आपको आएंगे सिर्फ 30 शेयर। 30 शेयर यदि 350-60 के बीच में बेचेंगे तो आपको 10,500 से 11,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अब हम देखते हैं ग्रे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 10,700 रुपए इसमें ग्रे मार्केट का प्रॉफिट होने वाला है डिवाइडेड बाई 7,000 रुपए जो कॉस्टक प्राइस है तो हुआ लगभग 1.48
जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं डेड टाइम। इसका मतलब कि शेयर होल्डर कोटा में ये डेड टाइम हो जाएगा यदि आप 1,95,000 की 3 एप्लीकेशन लगाते हैं शेयर होल्डर में अपने फैमिली मेंबर के नाम से, उनमें से 2 में आपको 30-30 शेयर अलॉटमेंट हो जाएंगे। अब आपने क्या देखा, रिटेल कोटा जो 15,000 की एप्लीकेशन है, नॉन शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन है, वो आपके ग्रे मार्केट में कॉस्टक प्राइस चल रहा है सिर्फ 5,000 रुपये, जबकि इस कोटा में 7,200 चल रहा है। ये क्लियर बता रहा है कि ये कोटा कम सब्सक्राइब होगा, और दूसरा इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन को ज़्यादा फायदा होगा तो उसका बेनिफिट भी जोड़े, तो ये डेड टाइम ही हो रहा है जबकि वो 30 टाइम होगा। तो ये टोटल कैलकुलेशन हो गई। अब हम बॉटम लाइन पे आते हैं कि इससे हमारे लिए घर में क्या जाता। कई लोगों ने मुझे एक बात पूछी है कि यदि 13 टाइम से ज़्यादा हो गया रिटेल कोटा तो क्या होगा, तो यहां मैं वही बता रहा हूं कि 13 टाइम से ज्यादा ही हो रहा है। मेरे इस कैलकुलेशन में रिटेल कोटा में मान के चल रहा हूं कि 20 होने वाला है। 20 टाइम यदि होगा तो इसका मतलब कि आपको 40 टाइम एप्लीकेशन लगाओगे, तो 40 टाइम एप्लीकेशन लगाने का मतलब हो गया 13-13 लोट की 3 एप्लीकेशन आप लगाओगे तो आपको 2 में अलॉटमेंट आएगा। मुझे लगता है अब मैं क्लियर कर चुका हूं। यदि आप गारंटेड चाहते हैं तो आपको इसमें 3 एप्लीकेशन लगानी है 1,95,000 की, और वो भी लगानी है 13-13 लोट की। लेकिन हाँ, यहाँ 3 में से 2 को अलॉटमेंट आएगा, तो हो सकता है कि आप 3 में से 2 में आप में एक ही आ जाए या तीनों के तीनों आ जाए, क्योंकि वो लॉटरी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि 3 में से 2 में आपको गारंटेड अलॉटमेंट आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं बॉटम लाइन क्या हुआ। इस पूरी कैलकुलेशन का बॉटम लाइन ये है, रिटेल में आपको 30 लोट की एक एप्लीकेशन जो 15,000 रुपये की है वो ही लगानी है, 5.5 टाइम होने की एक्सपेक्टेशन है, और उसमें 30 शेयर अलॉटमेंट आएंगे, तो आपको 6 एप्लीकेशन यदि आप ऐसे लगा दोगे तो प्रोबेबिलिटी या गारंटी हो जाएगी कि आपको एक अलॉटमेंट आएगा। स्मॉल HNI में 420 शेयर की एप्लीकेशन लगानी है, यानी कि 14 लोट की लगानी है, 2,10,000 रुपये की होगी, और ये एक्सपेक्टेड है कि 30 टाइम हो जाए, और इसमें भी अलॉटमेंट आपको 420 शेयर आने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी हो गई बिग HNI, इसमें आपको 67 लोट की 2,010 शेयर की एप्लीकेशन लगानी है, जिसकी वैल्यू होगी 10,05,000 रुपये, और यहाँ एक्सपेक्टेड है 7.5 टाइम, और अलॉटमेंट आएंगे 420 शेयर। इसका मतलब कि यदि आप 8 एप्लीकेशन 10,05,000 के लगा देंगे तो आपको एक अलॉटमेंट 420 शेयर का आएगा। अब आते हैं हम शेयर होल्डर, यहाँ ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हाइएस्ट एप्लीकेशन रिटेल कोटा की लगा रहे हैं, जो 13 लोट की रिटेल कोटा में 395 शेयर की, जिसकी वैल्यू होती है 1,95,000 रुपये, और यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 टाइम अलॉटमेंट, यहाँ भी 30 शेयर आएंगे। ये हो गई पूरी कैलकुलेशन। इसके बाद में मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा कि ये कितने टाइम जाने वाला है, किस कैटेगरी में कितने टाइम जाने वाला है, आपको किस कैटेगरी में लगाना है, ये अपनी फंड पोजीशन के हिसाब से देख लें, और साथ में कितने एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा। आपने यदि अभी तक सारे फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो खुलवा लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका HUF अकाउंट या माइनर अकाउंट हम खोलें, तो ये एक स्पेशलाइज तरीका है, या फिजिकल फॉर्म से खोलेगा, और हम हैं इसमें स्पेशलाइज कि किस तरह से फिजिकल एप्लीकेशन लगाकर एप्लीकेशन भरकर एप्लीकेशन खोली जाती है, तो हम कमेंट में राधिका के नंबर दे रहा हूँ, आप उससे बात कीजिए, वो फिजिकल फॉर्म से आपका अकाउंट खोलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये IPO इतना पास में है कि फिजिकल अकाउंट खोल पाना हमारे लिए कम से कम 1 वीक का प्रोसेस हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार कर लें, जिससे आगे से कभी ऐसी जरूरत हो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहे। तो ये हमने आपको कोई भी IPO की वो कैलकुलेशन बताई है जो न फंडामेंटल पर है, न टेक्निकल पर है, न कोई डिफिकल्ट टेक्निकल कैंडलस्टिक बता रहा है, बल्कि ये बता रहा है प्रैक्टिकल। जो गुजराती में कहावत है ना, भाव भगवान छे, भाव ही भगवान है, तो ग्रे मार्केट का भाव जो है वो भगवान है, और वही बता रहा है कि IPO कितना टाइम हो सकता है। क्या आज से पहले इस तरह की कैलकुलेशन कभी आपने सोची है या देखी है? लेकिन आज हमने बताया, ये वो तरीका है जो एक गुजराती या मारवाड़ी ही सोचता है, और वो मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है। लेकिन हाँ, यदि आप गुजराती और मारवाड़ी हैं तो 1 लाइक तो आपकी तरफ से बनता है, और यदि नहीं है तब तो 2 लाइक
तो नहीं बनेंगे क्योंकि वो तो डिसलाइक हो जाएगा, 3 लाइक आपकी तरफ से बनते हैं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके सोचने का तरीका वो कर दूंगा जो एक मारवाड़ी या गुजराती रखता है। क्या आप चाहते हैं इस तरह से ग्रे मार्केट के बेसिस पर कोई इश्यू कितने टाइम सब्सक्राइब हो सकता है, किस नए इश्यू के बारे में ये कैलकुलेशन आप जानना चाहते हैं, तो आप लिखिए नीचे कमेंट में कि मुझे इस इश्यू के बारे में चाहिए, हम वो कैलकुलेशन देंगे। यदि आप चाहते हैं कि टाइटन का भी क्या कैलकुलेशन बन रहा है वो आप बताइए, तो वो भी मैं बता सकता हूं। तब तक के लिए डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।